फाइनली एक बहुत बड़े दौरे की शुरुआत या फिर हम कहें कि अनाउंसमेंट हो चुका है नेपाल की टीम के लिए। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस दौरे का इंतजार काफ़ी समय से फैंस को था और इस दौरे के इंतजार को अब अंजाम की ओर ले जाना है। आखिरकार अनाउंसमेंट हो चुका है टीम का भी और ये दौरा यहाँ पे नेपाल की टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो, चाहे फिर वो वर्ल्ड कप के पर्पज से हो, चाहे फिर वो अब जीत के पर्पज से हो और पिछले वाली हार को भुलाने के पर्पज से हो। आखिरकार ये कौन सा दौरा रहने वाला है और इसके अंदर कौन से मैच होने वाले हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतने यहाँ पे मैचेस खेले हैं हमने, लेकिन सभी फैंस के दिमाग में एक सवाल था कि कब जाके यहाँ पे जो भारत के साथ दौरा है भारत के अंदर वो होगा, कब यहाँ पे आयरलैंड के साथ जो मैचेज हैं वो कब होंगे। तो ये सारी जो यहाँ पे बातें दिमाग में चल रही थी वो सारी गुत्थी सुलझ चुकी है और फाइनली उस टीम का भी निर्धारण कर दिया गया है जो कि इस दौरे के अंदर खेलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की टीम इन दोनों दौरों के लिए रोहित पोडेर को अपना कप्तान रखने वाली है क्योंकि वो एकदम फिक्स है। कुशल भुटेल रहेंगे, आसिफ शेख जो कि विकेट कीपर रहेंगे, अनिल शाह रहेंगे, कुशल मल्ला रहेंगे, संदीप झोरा, दीपेंद्र सिंगेरी, गुलशन झा, विवेक यादव, प्रतीश जीसी, करण केसी, सोमपाल कामी, आकाश चंद, अविनाश बोहरा, ललित राजवंशी, ये सब रहने वाले हैं हमारी स्क्वाड के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पहला मैचेज हैं वो 24 मार्च से शुरू हो जाएंगे और ये आयरलैंड के अंगेंस्ट होंगे, आयरलैंड वोल्व्स के साथ। 25 मार्च को भी आयरलैंड वोल्व्स के साथ मैच होगा। उसके बाद नेपाल का यहाँ पे भारत का दौरा शुरू हो जाएगा। नेपाल का जो भारत दौरा है उसे SMS फ्रेंडशिप कप के नाम से जाना जाएगा और 31 मार्च से यहाँ पे पहला मैच भी शुरू हो जाएगा। 31 मार्च को नेपाल भिड़ेगा गुजरात के साथ, 2 अप्रैल को यहाँ पे भिड़ेगा बड़ौदा के साथ, उसके बाद 3 अप्रैल को भिड़ेगा वापस से, गुजरात का मैच होगा, 5 अप्रैल को बड़ौदा का फिर से मैच होगा और फाइनल जो इसका खेला जाएगा वो 7 अप्रैल को होगा, अंतिम मैच यानी कि फाइनल मैच जिसका डिसीजन लिया जाएगा बाद में कि गुजरात नेपाल होगा या नेपाल बड़ौदा होगा या फिर बड़ौदा गुजरात होगा, इसका अभी फैसला नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि फाइनली अब यहाँ पे वापस आना है कि नहीं आना है अभी डिसीजन करना पड़ेगा। फाइनली जब आप भारत में जाओगे तो क्या आप वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे अपनी या फिर आप वापस आकर कोई और लीग खेलोगे, ये अब आपके डिसीजन के अंदर है, आपकी राय के अंदर है, या फिर ऐसे कहें कि क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या सोचा है वो अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। आई थिंक कि वो वापस नहीं आने चाहिए, आई थिंक कि वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने चाहिए और जिसकी बदौलत वो बड़े ग्राउंडों के खिलाड़ी बने और सुधार लाएं अपने अंदर, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छे मैच होते हुए भी नहीं जीत रही नेपाल की टीम। आखिरकार ये स्थिति अचानक से आई कैसे है, इसे सुधारना कैसे है और इसे टैकल करने के बाद हम कितना निखार ला सकते हैं खुद के अंदर, ये सारी चीज़ें हमें पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। तो देखना ये होगा कि अब आगे क्या करती है नेपाल की टीम, कौन सा डिसीजन लेती है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के जितने रखते हैं, कोई नया अपडेट मिल जाए तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।